आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा महाकोलाहल पुर बिखे, होत भयो आनंद, जिन जिन तिस छिन गुर पिखे, तिन फल पुन बिलंद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी होई, गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरां दी पवित्र पावन हजूरी विखे संध्या दे दीवान सजे हन। आप जी ने जिथे अमृतमई गुरबाणी सोदा रह राज साहब जी दे पाठ सरवण कीते हन, सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे हजूरी कीर्तनीए सन्मान योग भाई जुझार सिंह जी दे जथे पासों अमृतमई गुरबाणी दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। आओ हुण धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे साहबजादे दूसरे साहबजादे बाबा सूरजमल जी दे विआह दी कथा सुनीए। बाबा प्रेमचंद जी ने अपनी बेटी खेम कौर दा रिश्ता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे दूसरे साहबजादे बाबा सूरजमल जी नूं कीता सी। वैसाख की 27 तरीक का विआह पक्का करके चिट्ठी भेज दिती ते गुरु महाराज जी विआह दीआं तैयारियां करके बरात लैके श्री करतारपुर साहब आ गए ने। दुआबे दीआं जलंधर दे इलाके दीआं संगतां ने बड़े स्वागत कीते हन। खास करके बाबा प्रेमचंद जी ने गुरु महाराज साहब जी का स्वागत सत्कार कीता है बहुत वधिया तरीके नाल। वो कथा कविराज भाई संतोख सिंह साहब जी श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में लिख रहे हैं। सरवण करिए, गुरु महाराज के चरणों सुरती जोड़िए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। दोहरा महाकोलाहल पुर बिखे। साध संगत जी, श्री करतारपुर साहब विखे बड़ा उत्साह है, बड़ी खुशी है, बड़े वाजे गाजे बज रहे हैं। संगतां बहुत आईयां ने, बराती भी आए हैं ते मेली भी आए हैं। होत भयो आनंद, बड़ा आनंद बनिया होया करतारपुर साहब नगर दे विच। जिन जिन तिस छिन गुर पिखे, उस वेले जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे दर्शन कीते हैं, तिन फल पुन बिलंद, उन्हां नूं बड़े पुन फलां दी प्राप्ति होई है। चौपाई प्रेम चंद तब पठी बटेरी, कहिंदे बाबा प्रेम चंद जी ने कुआरी रोटी भेजी है। ये पुराने जमाने च इदां बोली बोलदे हुंदे सी, पहलां जिहड़ी रोटी विआह तों हुंदी उहनूं कुआरी रोटी कहिंदे सी, जां हलूफा भी कहिंदे सी। बाबा प्रेम चंद जी ने हलूफा बटेरी कुआरी रोटी भेजी है। सबन बलोकत खुशी कनेरी, सारिआं नूं बड़ी खुशी है, सारे पासे जांजियां नूं भी ते मांजियां नूं भी। हित मिलनी के बहुर बुलाए, फिर साध संगत जी मिलनी दे वास्ते सद्या है। होए तियार चाले समुदाए, फिर विआह दी मिलनी करन लई छेवें पातशाह जी बाबा सूरजमल जी नूं अगे करके बरातियां नूं लै के चले हन। सूरजमल बड़वा पर आछे, बाबा सूरजमल जी अगे घोड़ी ते सवार हन। तेग बहादुर शोभत पाछे, पिछे तेग बहादुर जी नाल घोड़ी ते अपने वीर दे बैठे होए हन छोटे जे। तब आतिशबाजी चलवाई, और साध संगत जी आतिशबाजी बड़ी हो रही है। आतिशबाजी करन वाले वधिया वधिया तरीके नाल आतिशबाजी करदे हन। देखत लोक मिले समदाई, कहिंदे वेखण वाले आतिशबाजी गुरु साहिब दी बरात नूं वेखण वाले बहुत लोक इकट्ठे हन दुआबे दे इलाके दे। केतक चरखी अदक परमावै, जिहड़े आतिशबाजी करन वाले ने उहनां ने बड़ियां वधिया किस्म दीआं आतिशबाजियां, चरखी हुंदी सी इक गोल घुम्मदी हुंदी सी पहलां, ओ चरखी घुमांदे हन। कोस जोर उठ गगन सदावै, ते कई एहो जिहियां हवाइयां ने जिहड़ियां आकाश वल छड्डियां ने उपर जांदियां हन, ते कई बुरज बने होए हन,
उपर कागजां दे बुरज बना के बिच आतिशबाजी रख के उपर नूं भेजदे ने, उपर जा के उह चलदियां हन। अधिक कोलाहल सुन है बिलोकत, कहिंदे बड़ा कोलाहल हो रिहा, आतिशबाजी नूं वेखण वाले ते बरात नूं वेखण वाले बहुत ज्यादा लोग हन। महाप्रकाश मताबी मोकत, बड़ियां बहुत ज्यादियां मताबियां चल रहियां हन, झाड़ ते फनूस बाले हुए हन। प्रेम चंदले बहुत उपायन, बाबा प्रेम चंद जी मिलनी वास्ते अपने परिवार दे जीआं नूं लैके खड़े हन, वधिया वधिया भेटावां वधिया वधिया उपहार गुरु साहब जी नूं भेटा करन वास्ते आन परयो सतगुर के पाए आ के सतगुरु जी दे पैरी पए हन। बाबा प्रेम चंद जी तेह उठाए कर कंठ लगायो, कहंदे उठा के बाबा प्रेम चंद जी नूं महाराज साहिब जी ने गल ना ला लिया, मिलनी जो कुड़मां दी हुंदी है, बाबा प्रेम चंद जी दे पैरी पै गए, महाराज मेरी इन्नी औकात नहीं कि मैं आप जी नूं गलवकड़ी पा के मिला, मैं तां तुहाडे चरणां दे दासां दा वी दास हाँ, पर सतगुरु मर्यादा पुरशोत्तम ने बाहां तों फड़ के बाबा प्रेम चंद जी नूं उपर ही चुक लिया है, थले नहीं झुकण दिता। जगत रीत मह गुर मन पायो, महाराज कहिंदे जो मर्यादा है उहदे मुताबक आपां हुण कुड़मां दे रूप च मिलीए। भयो निहाल अंग को लागा, बाबा प्रेम चंद जी महाराज दे गल लग के निहाल हो गए, महाराज ने जदों गलवकड़ी पाई है बाबा प्रेम चंद जी प्रेम दी मूर्ति बन गए, रोम रोम दे विच धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दा प्रेम समा गया है। प्रेम चंद और अत अनुरागा, बाबा प्रेम चंद जी दा रोम रोम प्रेम विच भिज गया है। प्रथम जन्म गण पुन सकेला, कवि जी लिखदे है पिछले जन्मां च बड़े पुन कीते हुए सन, बहुत चंगे कर्म कीते हुए सन बाबा जी ने, तिन्हो दीन फल गुर गल मेला, अज उन्हां पुन्नां दा फल मिल गया, गुरु साहब ने गल ना ला लिया, धन गुरु हरगोबिंद साहब दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह जिन्हां दा नाम भी लेना होवे ना बड़े कर्म चाहिए, भाग चंगे होण ते कन्नां विच सतगुरु छेवें पातशाह दे नाम दा आवाजा पैंदा है, बहुत ज़्यादा चंगे कर्म होण उन्हां दी कथा सुनन नूं मिलदी है, होर बहुत ज़्यादा चंगे कर्म होण ते महाराज दे प्रतख दर्शन हुंदे, कईयां नूं सुपन दर्शन हुंदे कईयां नूं प्रतख दर्शन हुंदे, ते बाबा प्रेम चंद जी किड्डे भागां वाले भी प्रतख दर्शन तों वध के गुरु दी गलवकड़ी मिल गई, गुरु ने गल नाल ही ला लिया बाबा प्रेम चंद जी नूं, ले दुल्हो को द्वार सिधारे, ते फिर इस तरह लाड़े नूं लै के बाबा सूरजमल जी नूं बाबा प्रेम चंद जी अपने बूहे ते लै गए दरवाजे ते, वैदिक लौकिक कर व्यवहार जिहड़ी मर्यादा है दुनिया दी ब्याह शादियां दी लौकिक रीत भी है गुरु घर दी मर्यादा दे मुताबक ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਨਿਕੇਤ ਆਪਣੇ ਚਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਤਕ ਹੋਤ ਅਨੇਕ ਸਦਾਏ, ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਵਈਏ ਕਵਿਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਨਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਹੇਤ ਬੁਲਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਮਤਾਬੀ ਔਰ ਫੁਲਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੱਜ ਧਾਲ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਤਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
रोशनी करने वास्ते मताबियां बालियां हुई हैं। मताबियां की रोशनी इदा चिट्टी चिट्टी होंदी सी जिवें अजकल आर ट्यूबां की चिट्टी रोशनी है, इदा की चंद्रमा वर्गी चांदनी वर्गी सोहनी रोशनी दे विच सोहने सुंदर सज धज के जा रहे हैं बराती। जारत चारण ब्रिंद मसाला, चार मसाला बाल के मताबियां बाल के रोशनी कीती है, ते बहुत सज धज नाल वाजे गाजिया नाल प्रशादा छकन गए हन। बादत बाजत नाद उठाले, वाजे वजदे हन, शहनाइयां झांज वजदियां हन, नफीरियां वजदियां हन, पटे वजदे हन, पणम वजदे हन, ढोल वजदे हन। सना सना चालत पग डार, हौले हौले तुरदे ने क्योंकि बड़े प्रेम नाल सज धज के निकले बराती सारे, हौले हौले तुरदे ने नाले ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਚਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਖਰੀ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਚੌਂਕੀ ਕੋ ਡਸਵਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਤਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਕੋ ਪਾਏ, ਚਿੱਟਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਗਦੇਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਤਿਸ ਪਰ ਸਾਦਰ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਅਪਰ ਪੰਕਤੀ ਅਨਕ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀ ਉਹ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਛੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ये गिलासां दा रवाज भी बाद में चलिया। पहला छन्ने होंदे सी वड्डे वड्डे कहें दे छन्ने, कांसी दियां थालियां, ते अमीर घरां विच राजां महाराजां दे सोने चांदियां दी थालियां भी होंदियां सी, पर ज़्यादातर क्या कांसी दे भांडे कहें दे भांडे होंदे सन, पित्तल दे तांबे दे भांडे। उन्हां दे बाटे थालियां सारियां दे अगे पा के विच उन्हां विच पकवान परोसन लगे हन। दूसरे चौंकी पर धर थार, ते एक चौंकी गुरु साहब दे बैठन लई है, सामने एक होर छोटी चौंकी दे वड्डा सारा थाल रखिया है। गुर आगे खट रसन आहार, महाराज दे अगे वड्डे सारे थाल विच छे रसां तो बने हुए भोजन पाए गए हैं। खट रस छे रस हन सासन जी, खट्टा मिठा तुर सादक कौड़ा कसैला, ये सारे रसां दे वधिया वधिया स्वादिष्ट भोजन गुरु साहब दी थाली च बाबा प्रेम चंद जी दे रसोईयां ने परोसे हन। होते चतुरता तशिन सब आगे, ओ जेड़े रसोईये सन जेड़े लांगरी वरतावे सन बड़े चतुर सन, हर एक बंदे नूं लंगर छकाना भी नहीं आउंदा। अजकल तो माफ करना कई बारी सिंघां दे घरां च प्रसादा छकन जाईदा, उन्हां नूं इन्ना भी नहीं पता होंदा भी हथ किवें धोणे आ। पंजां सिंघां नूं हाथ धोणे भी नहीं सीखे, तो फिर उदा गल्लां करनियां बड़ियां डींगा मारनियां भी सिक्खी दा पहाड़ असी चुक्या होया भी सारी सिक्खी असार पंथ दा की बनेगा, भी पंथ दा की बनेगा तुसी पहला मर्यादा तो सीखो, रहत बहत बिना पंथ कहदा रौला पाण दा पंथ थोड़ा। रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत मतलब इन्ना ही नहीं भी आपां ककार पा ले ते आपां रहत, ये भी रहत है पर रहत दा बहुत वड्डा विस्थार है। उहदे विच ये भी है प्रशादा किवें छकाना, हाथ किवें धोणे है, किहड़े पासे जे कुछ बैठी संगत पंगत बैठी, पंगत विच गुरु साहब दे सज्जे बहना कि खब्बे बहना, ये भी मर्यादा रखदे सी। सो बड़े सतकार नाल बड़ी इज्जत नाल बाबा प्रेम चंद जी दे रसोईये लंगर छका रहे हन। भोजन तरियो खान गन लागे, ते सारियां दे अगे भोजन परोसिया ते सारे छकन लगे हन। श्री करतारपुर की नारी, श्री करतारपुर साहब इथों दीआं जो बीबियां हन, उन्हां जमानियां विच हुण तां रवाज होर तरां दे हो गए ने, पहलां होर तरां दे सन। हुण तां देखिआ वी ब्याह वाले दिन ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਬਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ 1100-2100 ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਮਜੂਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਜ ਦਾ ਜਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਾ ਲਾੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਓ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਲਾੜਿਆ ਸਿਹਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜਰਾ ਬਈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੜ ਕੋਠਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਸ ਕਰ ਦੁਆ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਏ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
बंदन करी सबन गुर और सारिया बीबिया कोठिया दे चढ़िया हुई बड़े सोहने सोहने कपड़े गहने पाए हुए हार शिंगार किए हुए ने ते सतगुरां वाल हाथ जोड़ के नमस्कार कीती है। मन में पयो आनंद कनेरा सारिया दा मन खुश है, सारिया बीबिया भैन खुश हन। गावन लगी सकल तसबेरा ते उस वेले सिठनिया गान लगिया हन। होती अनुचित गुरु को गारी भावे सिठनिया गुरु नू देनिया ठीक नहीं हुंदिया, वो समझ दिया हन भी गुरु साहब साढ़े सतगुरु हन, असी महाराज नू कोई सिठनिया नहीं दे सकती, पर फिर भी जिहड़ी दुनिया की मर्यादा है विआह दा माहौल है वो मर्यादा नू मुख रख के उन्होंने गुरु साहब जी दे बरातियां नू सिठनियां सुनाईयां ने, पर ऐसियां नहीं भी जिवें कोई भद्र अभद्र शब्द नहीं बोले, सत्कार वाले वचना दे नाल जिवें उपमा भी होवे गुरु दी ते प्यार भी बनिया रहे। हाँ जी तो भाई उत्सव बस सारी सो उत्सव है मर्यादा है दुनिया की, इहनू लोक करीत कहिंदे आ संसार इदां ही चलदा है ते उहदे मुताबक विआह दा माहौल जे हुण विआह दे समय साध संगत जी कोई बंदा उदास जिहा हो के बैठा रहे ते विआह भी नहीं सोहणा लगदा, हर चीज़ का अपना अपना माहौल हुंदा। अज कल असीं इन्ने कट्टड़ हो गए हाँ भी असीं अपने विआहां नूं भी गमगीन जिहा बना लिया, कोई गल होवे कहिंदे जी इह ब्राह्मणवाद है, कोई गल होवे इह ब्राह्मणवाद है, भी हसणा सारा ब्राह्मणां नूं दे दिओ ते रोणा सिखां नूं दे दिओ, लो ये किधर दी सियाणप होई। जिहड़ी गल है वो गुरु महाराज ने आपे ही बाणी च कहता भी ये गलत है छड़ दिओ। हुण विआह शादी का माहौल है उहदे विच तां थोड़ा बड़ा हसना खेडना खुशी होके मिलना, तो जे एवें बंदे दे मत्थे ते त्योड़ी पाई होवे ते ओह फिर कहदा विआह होया, वह कहिंदे विआह ते गए सी कोई चज नाल बोलिया ही कोई नहीं, किसी ने सानू फतेह नहीं बुलाई, अगला कहिंदा अगले विआह ते आपे ही कर लिया जे असीं नहीं आउणा। इस तरह ये दुनिया की जड़िया चीज़ा चलिया आ रही ये अपनी थान पर, अध्यात्मक ब्रह्म ज्ञान अपनी थान पर, धार्मिक मर्यादा अपनी थान पर, असी हर थान पर कट्टरवाद खड़ा कर लेने पता सानू किसे गल का नहीं। अजकल जे कोई सिंह सेहरा बन लवे ना तो साढ़े वाले डांग चुक लेंदे कहिंदे इन्हें विआह ते सेहरा बन्निया मनमत है, इन्हां नू पुछो भी गुरु गोबिंद सिंह साहब तो ज़्यादा कोई गुरमत जानदा, उन्हां दा गुरद्वारा सेहरा साहब अज भी मौजूद है गुरु के लाहौर, महाराज दसवें पातशाह सेहरा बन के ढुके है उत्थे गुरु के लाहौर, वो जिथे सेहरा बनया उस गुरद्वारे का नाम ही सेहरा साहब, उत्थों महाराज की बरात अज भी साल पिछों जो नगर कीर्तन जाता संगतां गुरु ग्रंथ साहब नूं सेहरिआं नाल सजा के ले जांदियां। सुल्तानपुर साहब महाराज पहली पातशाही बरात चढ़ी है उत्थे भी सेहरा साहब है। इस तरह साध संगत जी ये गुरु घर भी बने ने इतिहास में भी लिखे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने पोतरे दे वास्ते 9 लाख का सेहरा बनाया सी ते हरिमंदर साहब चढ़ाता सी भी मेरे पोतरे नालों गुरु रामदास का दरबार वड्डा ये इन्ना सोहना सेहरा उन्हां दे चरणा जां मेरे पोतरे लई कोई होर बना लो, तो इतिहास है साडा, पर नहीं वो डांग चुक के सिर पाड़न तक जाते हैं जे कोई बेचारा सेहरा बन लवे थे, पर यह पता नहीं कितों की मर्यादा बना ली अपनी। गुरु ग्रंथ साहब तो गल कोई लिखी नहीं, ना दसम दे विच लिखी है, ना भाई गुरदास की बाणी च लिखी है, ना भाई नंद लाल जी ने लिखी है, ना गुरप्रताप सूरज च लिखी है। अपने ख्यालों नूं गुरमत कहिंदे है, अपने ख्याल जो सुपना आया मन में कहिंदे गुरमत है, तो जिहड़े गुरमत दे ग्रंथां च लिखी वह कहिंदे मनमत है, पर गुरु नालों ज़्यादा सियाने गुरमतीए कित्थों दे हो गए। रहो विचार ये मर्यादा लोक करीत सीगी कि जदों लंगर छकना सिठनियां देनियां माहौल खुशगवार बनया रहना। हाँ जी लै लै नाम गाए गन कीता उन्होंने गीत गाए हाँ ना लै लै के सुन बरात हर खत सब चीता ते ओ जेड़ी बाल गाल की गया गाल की बाल ब्याह की गाल सम दूषण भूषण रूप कहिंदे उन्हां गालां दा भी कोई गुस्सा नहीं करता, ब्याह दे विच जिहड़ियां सिठणियां दिंदे ने उहदा कोई गुस्सा थोड़ा करदे, खुश हुंदे सारे खुश होए हन प्रसन्न होए बराती भी मुस्कावत भोजन को खाते नाले वह गल्लां सुनदे नाले मुस्कुरांदे ने
ते नाले हसदे ते प्रशादा छकदे ने त्यों त्यों मोदर दा अधकाते। बड़ी खुशी हो रही है बाबा सूरजमल जी दे व्याह दी, जांजियां नूं भी ते मांजियां नूं भी। त्रिपत होए कर पान पखारे, त्रिपत हो के हाथ धोए हन, उठे झूठ मह तन गन डारे। फिर एक होर मर्यादा सी कि जदों थाली प्रशादा छक लिया, जूठी थाली दे विच कुछ पैसे पाते सी बराती, कोई भावें पैसा पावे, धेला पावे, रुपया पावे, कोई अठ आने, कोई चार आने, कोई आना दो आने, उस वेले जो समर्था दे, वो जूठी थाली च क्यों पाते सी? जिन्हां लोगों ने वो भांडे मांजने ना जूठे, उन्होंने वो पैसे मिलते सी। देखो सिस्टम बनाया होया सी। अजकल आप गुरुद्वारे च थालियां रखी जाने सारे, मांजण दा भी किसे नूं ख्याल हुंदा? चलो गुरु महाराज की कृपा है भी गुरु के सिख आ ही जाते, गुरु प्रेरणा दिंदा, पर वैसे कोशिश करनी चाहिए जे थाली आप गुरु के लंगर च छकी है ना रोटी, तो कभी आ के दस थालियाँ मांझ दईए, उहदे नाल सेवा लगती है, ये भी तो जरूरी है। हुण इह तां नहीं भी सारे भांडे रखी जाओ तो पिछे पए रहण, कल नूं कोई होर आवे उहनूं थाली मिले ना। सो थालियाँ मांझण की सेवा जिहड़े गरीब लोग करते सी महरे झूर, उन्होंने फिर वह माया जी है चली जाती सी, उन्होंने गुजारा चलता सी। हाँ जी, बाजे बजत सदन कहो आए, प्रशादा छक के वाजे गाजिया नाल बरात फिर वापस अपने घर आ गई। पुन लावन का हेत बुलाए, फिर लावा का टाइम हो गया, लावा के टाइम लई फिर बाबा सूरजमल जी ने तैयार किया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज छेवें पातशाह जी अपने पुत्र लैके हूँ लावां दे मंडल वच जाणगे ते उत्थे आनंद कारज होवेगा। सो साध संगत जी, ये कथा अगे आप जी सरवण करोगे, समय दे लिहाज नाल समाप्ति है। हे गोबिंद, हे गोपाल।